छात्र आंदोलन से जो पैदा लिए हैं, शायद आज भूल चुके हैं, छात्र के दुख को भूल चुके हैं कि जो तबादला किया गया है, बिहार के जो विद्यार्थी हैं पूछते हैं आखिर क्यों तबादला गया है, इसके पीछे क्या कारण है। उम्र बढ़ जाता है, उम्र जब बढ़ता है तो वहाँ पे ये सफाई नहीं सुनने को मिलता है क्या आपका सेशन लेट था या फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था या फिर आपका एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ, वहाँ बिल्कुल नहीं सुनने को मिलता, सिर्फ आपका उम्र हो गया, ये इसका खामियाजा विद्यार्थी को अपने जीवन भुगतना पड़ता है मात्र। लाइफ है हमारा और कहाँ से हम लोग पैसा एक एक पैसा लाते हैं, कोई हमारा कोई रोज़गार नहीं है और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है वो सरकार को भी पता है। ये सरकार नाकामी सरकार है, बात है ये सरकार ऊपर से लेके भ्रष्ट सरकार है, ऊपर से लेके नीचे सब लोग मिला हो, जिसके कारण ये बीपीएससी एग्जाम दिलवाने के दरमियान में ये लोग जो पैसा जो खाता है, धांधली करता है, कोई स्टूडेंट से 20 लाख रुपया लेता है, 50 लाख रुपया लेके उसको नौकरी लगाएंगे, ये करेंगे, ये सब सरकार से मिली हुई है। ये सारा चीज़ हम लोग पता लगाएं, ये सब चीज़ अपने जाते लोग को घुसाते हैं और हम लोग को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बीपीएससी परीक्षा लीक होने के बाद जो है लगातार बिहार में जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो लगातार परीक्षा रद्द होने के बाद सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ स्टूडेंट हैं जो इस बार बीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे। ये बताइए सनी जी, आपका कहाँ सेंटर पड़ा था और परीक्षा रद्द की जब खबर आपने सुनी तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? जी, मेरा सेंटर सारण पड़ा हुआ था और जो कि बिल्कुल सुदूर क्षेत्र है, मुंगेर से सारण बिल्कुल सुदूर क्षेत्र, ये अंगिका से बिल्कुल भोजपुर भेज दिया गया, वो भी पटना से। हम लोग जो गए तो पटना से कोई सुबह बस नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने तोड़ तोड़ कर रिजर्व करके टोटो फिर वहाँ तक पहुँचा, उसके बावजूद भी यह सुनाई देता है। एग्ज़ाम निकलते के बाद जैसे ही अभी क्वेश्चन भी हम लोग नहीं मिलाए थे कि खबर आती है कि धांधली हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई है। ये सरकार का दुर्व्यवहार जो है, एक तो शिक्षा का स्तर जो बिहार में गिरता जा रहा है और हम लोग जो मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर 700 फॉर्म का दाम एग्ज़ाम देने तक लगभग 2-2.5 हज़ार खर्चा होता है, परेशानी प्लस हम लोग का साल भर का मेहनत, उसके बावजूद जब ये खबर आता है तो हम लोग साथ क्या बीतता होगा, ये शायद सरकार नहीं समझ सकती है। छात्र आंदोलन से जो पैदा लिए हैं शायद आज भूल चुके हैं, छात्र के दुख को भूल चुके हैं। क्या आपको सूचना मिली कि कहाँ से जो है ये पेपर लीक हुआ? जी, ये सूचना मिली कि आरा से, आरा के कोई सेंटर पे ऐसा लीक होता है और वहाँ क्या है कि एक दिन पहले ही डीएम का तबादला होता है। आखिर ऐसा क्यों है? आप तो जो छोटे मोटे अधिकारी थे उनको तो हटा दिए हैं कि जो तबादला किया गया है, बिहार के जो विद्यार्थी हैं पूछते हैं आखिर क्यों तबादला गया है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार बताएंगे इस कारण को। ये बताइए कितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कौन सा टर्म था जो इस बार भी आपने एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी? जी, मेरा दूसरा टर्म था, मैं 2 साल पटना में बहुत मुश्किल से रहा, वहाँ तैयारी किया, फिर कोविड के बाद मैं मुंगेर आ गया और एक बार जब पिछले बार जो परीक्षा हुआ था 66वां का, उसमें भी हल्का कोविड ही था, हम लोगों ने नाव टप कर यहाँ से सुदूर समस्तीपुर गया था, उसमें बहुत समस्या सामना करना पड़ा था, ठीक है, और ये दूसरा मेरा सेट था। उसके बावजूद भी यहाँ से पहुंचने के बाद किसी तरह हम लोग सोचते थे एग्ज़ाम तक पहुंच जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छी तैयारी थी, लेकिन आज क्या होता है कि रिजल्ट ये देख लीजिए परिणाम क्या है। क्या लगातार बिहार में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था बनाया जाए बेसिक स्तर से, शिक्षा का स्तर जो बिहार में बिल्कुल गिरता चला जा रहा है, पहले के तुलना में और गिरता चला जा रहा है, सरकार इसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक तो जब भी परिणाम देर से आता है, फॉर्म भरते हैं 5 साल बाद एग्ज़ाम होता है, परिणाम देर से आता है उसमें भी धांधली होता है, कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग का उम्र बढ़ जाता है, उम्र जब बढ़ता है तो वहाँ पे ये सफाई नहीं सुनने को मिलता है क्या आपका सेशन लेट था या फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था या फिर आपका एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ, वहाँ बिल्कुल नहीं सुनने को मिलता, सिर्फ आपका उम्र हो गया, ये इसका खामियाजा विद्यार्थी को अपने जीवन भुगतना पड़ता है मात्र। क्या लगता है किसकी चूक हुई, किसकी लापरवाही हुई जिसकी वजह से जो है, क्या मानते हैं आप, कैसे ये पेपर लीक हो गया? जी, सरकार जो है ना एग्ज़ाम लेने से पहले पूर्णतः होमवर्क नहीं करती है कि किस तरह एक टाइट परीक्षा लिया जाए ताकि एक स्पष्ट परीक्षा लिया जाए ताकि किसी प्रकार का लीक नहीं हो। इसके पीछे शिक्षा मंत्री हो या बिहार सरकार हो, उनको होमवर्क करना पड़ेगा और शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा, अन्यथा विद्यार्थी उग्र होकर एक बड़ा आंदोलन को बाध होंगे और आंदोलन के बाद भी लाठीचार्ज करता है और ऐसी स्थिति सरकार पैदा कर देती है खुद कि आंदोलन करना पड़ता है, आखिर में क्या होता है, केस होता है, कार्रवाई होता है और लाठी होता है। हम लोगों ने कई बार लाठी खाया पटना में। जब सेंटर पे गया तो सेंटर पे जाने के बाद जब एग्ज़ाम, जब क्वेश्चन मैंने देखा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसके बाद जब एग्ज़ाम सेंटर से मैं जब बाहर आया कुछ ही देर में पता चलता है क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उस समय हम लोग के साथ क्या बीता वो मैं ही जान रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है हमारा और कहाँ से हम लोग पैसा एक एक पैसा लाते हैं, कोई हमारा कोई रोज़गार नहीं है और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है वो सरकार को भी पता है। ये सरकार नाकामी सरकार है, हम लोग को आज से नहीं, हम लोग कितना बार, ये बीपीएससी का ये दूसरा एग्ज़ाम है हमारा, इसके बाद पहला जब मैंने गया था बक्सर गया था, बक्सर में भी बहुत कठिनाई से मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद भी वहाँ परेशानी हुई, लेकिन उस समय भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। यहाँ बिहार में जातिवाद की सरकार हो गई है,
हम लोग पे कोई रहम नहीं है, हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। और हम लोग गरीबी तक पे जो रूरल एरिया से लोग आते हैं, गरीब लोग कहाँ से पैसा लाते हैं 500-200 रुपया कर्जा लेके आगे, मतलब वो जाते एग्जाम देने के लिए। हम लोग का जो चार्ज लगता है बीपीएससी भरने में 600-700 रुपया लगता है, और उतना कष्ट उठाने के बाद हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। और ये सरकार से हमसे आग्रह है कि ये सरकार ऐसा नहीं करे, और जो डीएमएसपी के कारण ये जो आड़ा में जो ये धांधली हुई है उसके कारण हम लोग ये बहुत पीछे चल गए। हम लोग सोचे थे कि इस एग्ज़ाम में जब आगे जब निकलेंगे तो इसके आगे फिर हम लोग दूसरा एग्ज़ाम जब होगा तो अच्छा से जाएगी, लेकिन ये सरकार के कारण और डीएम कलेक्टर के कारण ये सारा चीज़ ये हुआ। और बीपीएससी का जो चेयरमैन वगैरह है इसको भी हम आंदोलन के लिए बाधित करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको कि सिर्फ जो आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज है वहीं सिर्फ धांधली हुई है या पूरे बिहार में ऐसी बात है? ऐसी बात आरा से स्टार्ट हुई है, और वहाँ से जो जो डीएम का जो वहाँ था, जब डीएम को जब एक पहले से वहाँ जब पता था तो वो डीएम को क्यों वहाँ से निर्गत किया गया, उसके बाद फिर डीएम फिर चेंज किया गया, ये तो सरासरी मिला हुआ सरकार की बात है। ये सरकार ऊपर से लेके भ्रष्ट सरकार है, ऊपर से लेके नीचे सब लोग मिला हुआ, जिसके कारण ये बीपीएससी एग्जाम दिलवाने के दरमियान में ये लोग जो पैसा जो खाता है, धांधली करता है, कोई स्टूडेंट से 20 लाख रुपया लेता है, 50 लाख रुपया लेके उसको नौकरी लगाएंगे, ये करेंगे, ये सब सरकार से मिली हुई है। ये सारा चीज़ हम लोग पता लगाएं, ये सब ये अपने जाते लोग को घुसाते हैं और हम लोग को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जो ये हम बहुत उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं, ये आज से नहीं हम लोग देख रहे हैं, बहुत दिन से। ये एग्जाम तो बात की बात है, एसएससी हो या पीएससी हो बीपीएस, सब में इसका मिला हुआ सरकार। ये क्या मानते हैं आप, सरकार और ये जो सरकार है और जो पदाधिकारी उनकी मिली भगत से ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ये मिली भगत से ही हो रहा है ना, क्योंकि अगर डीएम अगर चेंज होना, अचानक चेंज हो जाना, ये कहाँ की बस की बात है। उसके बाद फिर वो डीएम फिर दूसरा हो जाता है, वो डीएम जब आएगा तो बोलेगा उस घटना पे हम तो नहीं थे, इसका जिम्मेवारी वो नहीं लेगा। तो इसका पता लगाना चाहिए क्या है बात, और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को पूरे स्टूडेंट जितने बिहार में जो दिए बीपीएससी का एग्ज़ाम 3 लाख, वो पूरे स्टूडेंट मिलकर उसको उठाना चाहिए इस बात को। ये नहीं कि हम 4 स्टूडेंट मिलकर बोल रहे हैं तो उससे नहीं होने वाली, पूरे जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो आंदोलन को आगे बढ़ाएं, उग्र आंदोलन कीजिए, इससे हमको भी संतुष्टि मिले। क्योंकि हम आज इस चैनल पे बोल रहे हैं इसलिए कि आप लोग के लिए, सिर्फ हम अपने लिए नहीं बोल रहे, सबों के लिए बोल रहे हैं। बस स्टूडेंट थे जो जिन्होंने बीपीएससी का इस बार एग्ज़ाम दिया था, और साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि ये एग्ज़ाम जो हुआ बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इसमें भ्रष्ट नेताओं और सरकार की वजह से ऐसी जो स्थिति हुई, उत्पन्न हुई, वो सरकार और प्रशासन का साफ तौर पर लापरवाही है, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम होने के साथ ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। गोविंद कुमार, मुंगेर।